हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजादी का अमृत महोत्सव एवं भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन कैलेंडरी। सोमवार को मोहब्बत नगर में चंद्रशेखर आजाद स्मारक पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री लुम्बाराम मेघवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजादी की मूर्ति पर माला पहना कर श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी में अभूतपूर्व योगदान रहा। नेताजी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेश में जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर अंग्रेजों को आजादी देने पर मजबूर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहब्बत नगर सरपंच अर्जुन सिंह तनवर एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच विक्रम सिंह देवड़ा, संरक्षक चंद्रशेखर आजाद स्मारक समिति सम्माननीय अतिथि कैप्टन धोक सिंह परमार, अति विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच गेमराज पुरोहित रहे। स्मारक समिति के संरक्षक विक्रम सिंह देवड़ा ने बताया कि गांव के युवाओं ने स्मारक बनाकर मोहब्बत नगर का गौरव बढ़ाया। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण राज पोदवाल ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आग्रह पर पूरे देश ने अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिन देशभक्त वीरों ने अपने प्राण की आहुति देकर देश को आजाद किया उन्हें हम याद कर सके। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, असंख्य क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर किया। उनके बलिदानों को सदैव याद किया जाएगा। इस अवसर पर गंगा सिंह परमार, मंगल सिंह परमार, मोहन सुथार, अमर सिंह राव, महावीर सिंह, तगारा मेघवाल, ओटाराम प्रजापत, रमेश सेन, कैलाश मेघवाल, दरगाराम घासी, सोताराम, गोविंद सेन, प्रवीण हरिजन, इंद्र सिंह भाटी, अमर सिंह तनवर, वर्षाराम घासी, बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। जागरूक टीवी के कैलेंडरी से सुरेश जुगनू वल्दरा की रिपोर्ट।